हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग के नए अंदाज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्रेसर से रिलेटेड 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये सब क्वेश्चंस आरएस खोरमी की मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली बुक से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए मशीन यूज टू रेज द प्रेशर ऑफ एयर इज कॉल्ड। एक मशीन जो क्या करता है, एयर के प्रेशर को बढ़ाता है, वो क्या कहलाता है, कंप्रेसर। कंप्रेसर मस्ट बी ड्रिवन बाय सम प्राइम मूवर। कंप्रेसर प्राइम मूवर के द्वारा ड्राइव किया जाता है। बिल्कुल सही, एक मोटर लगा होता है, मोटर से उसका पंखा चलता है और क्या करता है, एयर को सक करके उसको स्टोर करता है, कंप्रेस करता है। द कंप्रेस्ड एयर मे बी यूज, कंप्रेस्ड एयर का यूज किया जा सकता है गैस टर्बाइन प्लांट और ऑपरेटिंग न्यूमेटिक ड्रिल्स इन स्टार्टिंग एंड सुपर चार्जिंग ऑफ आईसी इंजन्स ऑल ऑफ द एबव। तो कौन सा होगा, कंप्रेस्ड एयर मे बी यूज इन ऑल ऑफ द एबव, ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेशन ऑफ लिफ्ट रैम्प्स एंड पम्प्स मे बी यूज ऑफ कंप्रेस्ड एयर। लिफ्ट को या फिर रैम करके पम्प किया जाता है, ये सब जो इसमें कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही है, लिफ्ट का आपको पता होगा कि कोई सामान को उठाने के लिए जो है लिफ्ट, जो उसको लगा के लिफ्ट किया जाता है, उठाया जाता है, तो उसमें कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल किया जाता है। रैम वगैरह जो होता है, पम्प्स होता है, कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर टू द इनलेट प्रेशर ऑफ एयर इज कॉल्ड। तो एयर का डिस्चार्ज प्रेशर अपॉन इनलेट प्रेशर क्या कहलाता है, कंप्रेसर रेशियो। ठीक है, कंप्रेसर रेशियो। फ्री एयर इज द एयर एट एटमोसफियर कंडीशन एट एनी स्पेसिफिक लोकेशन। बिल्कुल सही है, फ्री एयर कौन सा होता है, जो एटमोसफियर में जो स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जो एटमोसफियर का जो एयर होता है, तो एटमोसफियर कंडीशन उस पर लागू होगा, तो वो फ्री एयर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ एयर एट द आउटलेट ऑफ कंप्रेसर इज कॉल्ड। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, डिस्चार्ज प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनलेट प्रेशर इज ऑलवेज डिस्चार्ज प्रेशर। इनलेट प्रेशर आउटलेट प्रेशर से क्या होता है, लेस देन, यानी कम होता है, तो लेस देन डिस्चार्ज प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंप्रेसर रेशियो फॉर द कंप्रेसर इज ऑलवेज, कंप्रेसर रेशियो फॉर द कंप्रेसर इज ऑलवेज मोर देन यूनिटी, यानी एक से हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, कंप्रेसर रेशियो क्या होता है, इनलेट प्रेशर आउटलेट प्रेशर अपन इनलेट प्रेशर। मैंने बताया आउटलेट प्रेशर क्या होगा, मान लीजिए आउटलेट प्रेशर 20 है, इनलेट प्रेशर कितना है, 5 है, तो 5 के बीच यानी एक से ज़्यादा होगा, या फिर यहाँ से हमेशा एक से ज़्यादा ही होगा। यहाँ पे 19 मान लीजिए इनलेट प्रेशर रखते हो, ऊपर आउटलेट प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा ही निकलेगा, यानी इसका जो रेशियो होता है हमेशा एक से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय कंप्रेसर इज कॉल्ड। एयर का वॉल्यूम जो कंप्रेसर के द्वारा डिलीवर किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कंप्रेसर कैपेसिटी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर, कंप्रेसर से जितना भी वॉल्यूम का एयर डिलीवर हो जाता है वो कंप्रेसर कैपेसिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय ए कंप्रेसर व्हेन रिड्यूस्ड टू द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन इज कॉल्ड कंप्रेसर कैपेसिटी। बिल्कुल गलत है, कंप्रेसर कैपेसिटी वो होता है जो वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर, कंप्रेसर जितना भी वॉल्यूम का एयर जो है डिलीवर करेगा वो कंप्रेसर कैपेसिटी कहलाएगा, तो ये क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ एयर सक बाय द कंप्रेसर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक इज कॉल्ड। सक्शन स्ट्रोक के द्वारा जितना भी जो वॉल्यूम का एयर जो है सक करेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम, यानी कंप्रेसर जितना भी मीन्स सक्शन के द्वारा, सक्शन स्ट्रोक के द्वारा जितना भी वॉल्यूम का एयर सक करेगा उसको स्वेप्ट वॉल्यूम बोलेंगे। द कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर इज एक्सप्रेस्ड इन, कंप्रेसर की जो कैपेसिटी होती है वो एक्सप्रेस की जाती है मीटर क्यूब पर मिनट, यानी एक मिनट में इतने वॉल्यूम का एयर सक किया गया है। ठीक है,
स्टोर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्रेसर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द, कंप्रेसर की कैपेसिटी डिफाइन की जाती है वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर। मैंने बताया कंप्रेसर जितना भी वॉल्यूम का एयर डिलीवर करेगा वो कंप्रेसर कैपेसिटी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ ए कंप्रेसर इज द, मीन इफेक्टिव प्रेशर, कंप्रेसर का मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ द एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर, ये तो कंप्रेसर कैपेसिटी कहलाएगा। वॉल्यूम ऑफ एयर सक्ड बाय द कंप्रेसर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, ये क्या कहलाएगा, फ्री एयर स्वेप्ट वॉल्यूम। और एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर देन रिड्यूस टू नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, ये तो आपका हो गया फ्री एयर डिलीवरी। तो देखिए मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ द कंप्रेसर ये होता है वर्क डन पर साइकिल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम में जितना भी वर्क डन वो कंप्लीट होता है एक साइकिल में वो होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ वर्क डन पर साइकिल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ए कंप्रेसर इज कॉल्ड, मैंने वही बताया रेशियो बराबर, रेशियो किसका, वर्क डन पर साइकिल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ए कंप्रेसर इज कॉल्ड, ये कहलाएगा आपका द मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो गया। देखिए क्वेश्चन जितना भी मैं पढ़ रहा हूँ इसका आंसर बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर आप खुद ही बताइए ताकि आपको अपना आकलन हो सके कि आप कितना इसके बारे में, कंप्रेसर के बारे में आपको कितनी नॉलेज है। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी बताते जाइए, क्वेश्चन का नंबर के साथ साथ उसका ऑप्शन ए बी सी करके भी बता सकते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन एयर कंप्रेसर द फ्री एयर डिलीवरी मीन्स द, इन एयर कंप्रेसर के, एयर कंप्रेसर में फ्री एयर डिलीवरी मीन्स क्या कहलाता है, फ्री एयर डिलीवरी मीन्स, देखिए इतना ऑप्शन इस पर पढ़िए, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर, मैंने अभी बताया कि ये जो फ्री एयर क्या होता है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर व्हेन रिड्यूस टू नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन को रिड्यूस करेंगे उस टाइम पे एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर वो होता है फ्री एयर डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्री एयर डिलीवरी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी डिलीवर्ड बाई कंप्रेसर फ्रीली, बिल्कुल गलत है, मैंने बताया ये वाला है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाई कंप्रेसर व्हेन रिड्यूस टू नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड एयर, स्टैंडर्ड एयर इज द एयर एट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 36%, द स्टैंडर्ड एयर ऑफ एयर एट 1 bar एंड कितने डिग्री सेल्सियस, 20 degree Celsius। 20 नंबर क्वेश्चन है, द कंप्रेसर कैपेसिटी विल बी, कंप्रेसर कैपेसिटी लोअर होता, लोवेस्ट होता है या फिर हाईएस्ट होता है इफ द टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर इज लोअर, तो क्या होता है, टेम्परेचर कैपेसिटी जो कंप्रेसर का कैपेसिटी होगा वो हाईएस्ट होगा इफ द टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर इज लोवेस्ट, जब इनटेक एयर का टेम्परेचर जो द टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर इज लोवेस्ट, इनटेक एयर का जो टेम्परेचर वो सबसे कम होगा उस टाइम पे कंप्रेसर की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी यानी हाईएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डबल एक्टिंग कंप्रेसर द एयर इज कंप्रेस्ड, डबल एक्टिंग कंप्रेसर में एयर इज कंप्रेस्ड किया जाता है इन ए वन सिलेंडर, इन ए टू सिलेंडर, इन ए सिंगल सिलेंडर एंड बोथ सिलेंडर ऑफ द पिस्टन, देखिए इन टू सिलेंडर ऑफ एंड ऑन बोथ साइड ऑफ द पिस्टन, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला, इन ए सिंगल सिलेंडर ऑन बोथ साइड ऑफ द पिस्टन, पिस्टन के दोनों साइड में जो है डबल एक्टिंग सिलेंडर आप जानते हैं ऐसे होता है, ये हो गया पिस्टन, ये हो गया यहाँ के ठीक है पिस्टन रॉड, तो इधर भी एयर आता है इधर भी एयर आता है, एक तरफ से आएगा तो दूसरे तरफ पिस्टन जाएगा और इधर से एयर निकल जाएगा, दूसरी तरफ से आएगा तो इधर से निकल जाएगा एयर और पिस्टन को आगे तरफ मूव कर देता है, वो होता है डबल एक्टिंग कंप्रेसर, ये होगा डबल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर में बोथ साइड पिस्टन के बोथ साइड में ये होता है मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कंप्रेसर वर्क इज डन ऑन द पिस्टन ड्यूरिंग द सक्शन ऑफ एयर एंड वर्क इज डन बाय द पिस्टन ड्यूरिंग कंप्रेशन
एज वेल एज डिलीवरी ऑफ एयर, बिल्कुल सही है, एग्री। इन सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर द सक्शन कंप्रेशन एंड डिलीवरी ऑफ एयर टेक्स प्लेस इन, कौन सा पिस्टन का कितना स्ट्रोक होगा, टू स्ट्रोक होगा, वन स्ट्रोक होगा, देखिए दो स्ट्रोक होगा। इन सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, सिंगल एक्टिंग यानी ये पिस्टन है, सॉरी इधर से पिस्टन है, ये इसको हटा दीजिए, तो क्या होगा आगे तरफ मूव कर रहा है, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, सक्शन, सक्शन होगा तो ये ऊपर जाएगा, ये मान लीजिए ये आपका इधर से एयर आता है, इधर से ये बाहर जाता है, जब ये नीचे जाएगा तो ये सक करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, एक स्ट्रोक हो गया, कंप्रेस करेगा तो इधर से एयर निकल जाएगा, तो क्या होगा सेकेंड स्ट्रोक होगा, यानी ये टू स्ट्रोक होगा, दो स्ट्रोक वाला पिस्टन कहलाएगा, पिस्टन का दो स्ट्रोक होगा इसमें, ठीक है, दो स्ट्रोक वाला पिस्टन नहीं बल्कि ये कहलाएगा टू स्ट्रोक, पिस्टन का दो स्ट्रोक यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सिंगल स्टेज सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर विदाउट क्लीयरेंस वॉल्यूम द वर्क डन इज मिनिमम ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन, इन ए सिंगल स्टेज सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर विदाउट क्लीयरेंस वॉल्यूम द वर्क डन इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, ठीक है क्या होगा, इसेंट्रोपिक कंप्रेसर, इसेंट्रोपिक कंप्रेशन में ये प्रोसेस होता है, यानी सिंगल स्टेज सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर विदाउट क्लीयरेंस वॉल्यूम द वर्क डन इज डन मैक्सिमम ड्यूरिंग इसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो दोस्तों आपका कितना आंसर सही हुआ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए तो मेरे को सब्सक्राइब।